हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। लेके हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर। अभी रिसेंटली आप लोगों ने एस्टेट के एग्ज़ाम देखे होंगे, टीजीटी पीजीटी के। उसके अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे हमारी साहित्य अकादमियों से, लाइक उर्दू साहित्य अकादमी है या हिंदी साहित्य अकादमी है, रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने ये लेक्चर आप लोगों के लिए सजाया है जिसमें आपके आने वाले ग्राम सचिव के पेपर में ऐसे भावना हो कि यहां से अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग उन्हें ठीक कर पाएं। यहां हम लोग बात करेंगे हरियाणा साहित्य अकादमी की, हम बात करेंगे हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की, हम बात करेंगे हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की, और हम बात करेंगे हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, और पांचवी हमारी होगी हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी। तो टोटल पांच अकादमियों के बारे में हम बात करेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी, एक है हरियाणा उर्दू साहित्य, एक है हरियाणा पंजाबी, और एक हरियाणा संस्कृत अकादमी। इनके बारे में यानी कि इनका हेडक्वार्टर जानेंगे हम लोग, इनके अध्यक्ष या इनसे रिलेटेड जो जो बात मुझे महत्वपूर्ण लगी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं यहां पे। सबसे पहली बात, इन चारों पांचों में एक हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय लिखा हुआ है, तो बिल्कुल टेंशन ना करते हुए इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, अभी इन सभी का हेडक्वार्टर जो है आपको मिलेगा पंचकुला के अंदर। ठीक है, आपने एक लिख दिया पंचकुला, इसके अंदर भी आप लोग क्या लिखने वाले हैं, इसके अंदर भी आप लोग पंचकुला लिख दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही साधारण सी बात है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या लिखेंगे आप लोग, इसके अंदर भी आप लोग जो है वो पंचकुला लिख देने वाले हैं। ठीक है, ये भी पंचकुला हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे भी आप क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे भी आप पंचकुला लिख देने वाले हैं। और संस्कृत वाले का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा, संस्कृत वाले का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर ही है। ये तो साधारण सी बात होगी आपकी। तो देखो, पांचों के हैं, आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेना कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सबका हेडक्वार्टर ही पंचकुला में है प्यारे बच्चों। सिंपली आप लोग जो है इसे याद कर लीजिएगा। अब दूसरी बात करते हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हमारे सीएम ही है, यानी कि इसे आप लोग कह सकते हो मनोहर लाल। ठीक है, मनोहर लाल। ठीक है, मनोहर लाल। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंट ही पेपर में पूछा गया था, तो करके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। इसके उपाध्यक्ष भी आपको याद रखना है, इनके उपाध्यक्ष का नाम क्या है, राणा ओबरॉय। ठीक है, क्या नाम है भाई, राणा ओबरॉय जो है इनके उपाध्यक्ष है, ये बात याद कर लेना बेटा आप लोग। एक चीज और भी पूछी जा सकती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों आपकी 9 जुलाई को। ठीक है, कब हुई थी, 9 जुलाई 1970 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है हरियाणा साहित्य अकादमी से रिलेटेड। हेडक्वार्टर पंचकुला में, अध्यक्ष है मनोहर लाल खट्टर जो कि सीएम है, उपाध्यक्ष है राणा ओबरॉय, और स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1970 को। बात पूरी हुई, समझ में आ गई होगी। अब हरियाणा हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूं, तो देखो हेडक्वार्टर तो पंचकुला में है ही, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी सर, तो इसकी स्थापना हुई है बच्चों आपकी 25 जुलाई को। ठीक है, और 25 जुलाई 1971 को हुई है, 70 के बाद में 71 याद कर सकते हो। एक चीज और पूछी जा सकती है कि इसकी एक मैगजीन पत्रिका पूछी जा सकती है आपसे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा हरिगंधा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है, तो याद कर लेना भी बच्चा। निर्देशक हमसे इसका पूछ सकते हैं, तो निर्देशक का नाम है यहां पर पूर्णमल गोंड। ठीक है, क्या नाम है बच्चा, पूर्णमल गोंड। ठीक है, ये बात भी आप याद कर लीजिएगा। और सबसे बड़ा पुरस्कार का भी सवाल बन सकता है, तो सबसे बड़ा पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर सम्मान बनता है जी। ठीक है, कौन सा सम्मान है, सूर सम्मान बनता है जी, सूर सम्मान। एक सवाल और भी बन सकता है कि सूर सम्मान के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं, सम्मान के लिए, तो 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं जी, 2.5 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। दो आपको मैंने बता दी है, हरियाणा साहित्य अकादमी और हरियाणा हिंदी साहित्य। अब एक है यहाँ पे हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। अब देखो, उर्दू साहित्य अकादमी अगर हमसे पूछा है तो इसका पेपर में अभी रिसेंटली सवाल भी पूछा गया था, जो आपको याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। सबसे पहली बात, इसकी स्थापना हमसे पूछी जाएगी, तो इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर को। कब हुई थी जी, 22 दिसंबर को हुई थी, 22 दिसंबर 1985 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये बात इंपॉर्टेंट है, पक्की याद करनी है आपको। पत्रिका का नाम क्या है जी, यहाँ की मैगजीन है जमुना तट। क्या
नाम है बच्चा जमुना तट, जो है वो यहाँ की मैगजीन है जो कि आपको याद रखनी है, जमुना तट। निर्देशक तो अभी थोड़े टाइम उपाध्यक्ष पूछे गए थे, हालांकि निर्देशक तो पूछे तो नहीं गए, लेकिन आपको याद रखना है निर्देशक का नाम भी। निर्देशक का नाम है नरेंद्र कुमार। क्या नाम है भाई? नरेंद्र कुमार, ठीक है, नरेंद्र कुमार निर्देशक का नाम है। और उपाध्यक्ष तो अभी थोड़े टाइम पहले ही अभी टीजेटी के एग्जाम में पूछा ही गया था, जो है डॉक्टर चंद्र त्रिखा इनका नाम है। क्या नाम है? डॉक्टर चंद्र त्रिखा, ठीक है, डॉक्टर चंद्र त्रिखा, ठीक है, डॉक्टर चंद्र त्रिखा। मैंने अपने करंट अफेयर में पढ़ाया था जब ये बने थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात पढ़ाई थी मैंने आपको। ये यहाँ भी जैसे यहाँ पे पूछा गया कि सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो यहाँ आप लोगों ने पढ़ा था सूर सम्मान सबसे बड़ा है, ठीक है। यहाँ अगर पूछा जाए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो हाली पुरस्कार होता है, ठीक है, हाली पुरस्कार। और हाली पुरस्कार जो है इसके लिए कितने रुपये दिए जाते हैं, तो 1,00,000 रुपये दिए जाते हैं, याद रखिएगा 1,00,000 रुपये सम्मान में दिए जाते हैं। जिक्र करता हूं हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का। अब हेडक्वार्टर तो आप लोगों ने पंचकुला जान ही लिया है, अब जिक्र करते हैं स्थापना की। तो स्थापना इसकी हुई है 9 जुलाई को ही, ठीक है, और 9 जुलाई इसकी भी स्थापना कब हुई है? 1970 के अंदर हुई है। यहां पे भी आप लोगों ने क्या पढ़ा है? 9 जुलाई 1970 पढ़ा है। यहां पे भी आपने 9 जुलाई 1970 पढ़ा है। पत्रिका यहां पे कौन सी है? पत्रिका का नाम है शब्द बुंद, ठीक है, शब्द बुंद जो है यहां एक पत्रिका है, इस पत्रिका का नाम आप याद रखिएगा। ये निर्देशक है, ठीक है। अब निर्देशक का नाम है, तो ये तो नाम आप मेरा नाम से याद कर सकते हैं, सुनील जी हैं, ठीक है, सुनील वशिष्ठ हैं, ठीक है, याद रखिएगा सुनील वशिष्ठ, ठीक है, सुनील वशिष्ठ जो हैं वो इसके निर्देशक हैं। अब आपकी पांचवी और लास्ट बस्ती है बेटा कि मुख्यालय कहाँ पे है पंचकुला में, स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना हुई है इसकी 2002 के अंदर हुई है। पत्रिका का नाम है यहाँ पे हरी प्रभा, ठीक है, हरी प्रभा, याद रखिएगा हरी प्रभा। और इसके निर्देशक या उपाध्यक्ष जो हैं ये वेद प्रकाश हैं, ठीक है, वेद प्रकाश, ठीक है वेद प्रकाश एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं ये भी, ठीक है। तो इतनी थी आपकी मैगजीन, इतना सा था ये टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई। एक बार फटाक से रिपीट कर देता हूं मैं, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय पंचकुला में, अध्यक्ष का नाम सीएम मनोहर लाल, उपाध्यक्ष है राणा ओबेरॉय, स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1970 को। हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी है, इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में, स्थापना 25 जुलाई 1970 को। पत्रिका हरिगंधा, निर्देशक पूर्णमल गौंड, सबसे बड़ा पुरस्कार सूर सम्मान और 2,50,000 रुपये दिए जाते हैं। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी का मुख्यालय बेटा पंचकुला में है, स्थापना 22 दिसंबर 1985 को। पत्रिका जमुना तट है, निर्देशक का नाम नरेंद्र कुमार है, उपाध्यक्ष है डॉक्टर चंद्र त्रिखा, सबसे बड़ा पुरस्कार हाली दिया जाता है और 1,00,000 रुपये है। पंजाबी का भी हेडक्वार्टर पंचकुला में है, 9 जुलाई 1970 को स्थापना है। शब्द बुंद यहां की जो है मैगजीन और सुनील वशिष्ठ निर्देशक है। और लास्ट में जो है आपका हेडक्वार्टर पंचकुला, स्थापना 2002 संस्कृत वाली की, और पत्रिका हरिप्रभा, निर्देशक वेद प्रकाश, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक सेकंड का आपको मैं टाइम देता हूं, फिर क्लास को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच क्लास, आप लोगों ने इस लेक्चर को देखा शेयर जरूर कर दीजिएगा और स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास।